हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 24 जून के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं मार्केट के, और फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि किस तरीके का डेटा बना है सारे प्लेयर्स का। देखिए, रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं ना, तो नेट बेसिस पे ये लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके गए हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर रह सकता है। DIIs ने इक्विटी के अंदर 1237 करोड़ की बाइंग करी थी, प्लस फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा कुछ किया नहीं था, ठीक है। लॉन्ग साइड के और शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट इक्वल कॉन्ट्रैक्ट से ऐड किए हैं, बट हाँ ये है कि पिछले कुछ टाइम से ना ये शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं अपने पास में। इसके बाद अगर हम FIIs का डेटा देख लेते हैं, तो इन्होंने 1790 करोड़ की इक्विटी के अंदर सेलिंग करी थी, प्लस इन लोगों ने ना कॉल राइटिंग अपनी जो है वो ज्यादा करी थी मार्केट के अंदर। तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट में ऊपर की साइड वाले लेवल पर रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट नीचे रह सकता है। ऑल्दो इन्होंने कोई हैवी पुट बाइंग वगैरह नहीं करी है, कि एक्सपेक्ट कर रहे हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। प्रॉप डेस्क ने देखिए मार्केट के अंदर ना अपने पुट बाइंग करी है, ठीक है, प्लस कॉल शॉर्ट भी करके गए हैं ये लोग। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में नीचे की साइड का मूव आना चाहिए। अभी अगर हम चार्ट पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी के अंदर ना यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिख रहा है कि अभी जैसे डबल बॉटम के बाद था, बट मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर इस वाली जगह से ऊपर की तरफ हो जाता है, तो ये एक तरीके से ना ट्रिपल बॉटम हो जाएगा इस वाली जगह का, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं निकलता, 23398 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देगा हमें, तब तक हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही दिखा रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट के आसपास डाउन था। तो अब कल सुबह ही पता लगेगा कहाँ खुलता है मार्केट। बट अगर मार्केट कहीं फ्लैट फ्लैट खुलता है, तो हम एक बारी को यहाँ इस जोन के अंदर से रिस्क ले सकते हैं 23423 से लेकर 23398 में, कि यहाँ से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें और उसके टारगेट्स अपने रखेंगे 23532 के। बट जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग दे देगा ना, तो हमारा एक तरीके से आप समझिए SL हिट हो गया इसमें, और फिर हम वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स अपने रखेंगे 23316 का पहला टारगेट हमारा रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 23260 का। अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप करके खुल जाता है, सपोज कीजिए बहुत बड़ा भी नहीं, अगर छोटा मोटा मतलब 530 इस वाले पॉइंट के ऊपर खुल जाता है कहीं पे 23532 के ऊपर, तो हमें देखना है कि 15 मिनट की क्लोजिंग कैसी आ रही है। अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, तो देखिए हम वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट हमें मिल जाए इस वाले लेवल पे, हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और पहले टारगेट्स अपने रखेंगे इस वाले लेवल के, क्योंकि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है 2-3 बार से, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा 23620 के लेवल का, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 23665 वाले लेवल का रहेगा। अगर यहाँ कहीं इस वाले एरिया में कहीं पे भी खुलता है, तो पहले वेट एंड वॉच है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के ऊपर, है ना, विक बना के नीचे ही आ जाता है, तब हम वहां से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और उसके टारगेट रखेंगे 23423 के, क्योंकि ये एक लेवल फिर सपोर्ट का हो सकता है। मार्केट कोशिश करे इस लेवल से सपोर्ट लेने की, बट अगर ब्रेकडाउन आ गया यहाँ से 15 मिनट का, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी जाता है लेकिन क्लोजिंग नहीं देता है ना इस लेवल के नीचे, विक बना के ऊपर की साइड में ही आता है, तब हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे 23500 के पहला, दूसरा टारगेट 23532 का, और बहुत ही पास में है दूसरा टारगेट, बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप 23500 पे बुक कर लीजिएगा। अभी देखिए अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको जिस दिन मूव आई थी इसके अंदर तभी बता दिया था, ये एक दो दिन मार्केट ना ये इस वाली रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है। अब ये यहीं पे अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसको करने दीजिए, आप अवॉइड कीजिए इस वाले जोन के अंदर, ठीक है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे आएगी इस वाले लेवल के 51232 के नीचे, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 5786 वाले लेवल के रखेंगे। दूसरा टारगेट इस वाले लेवल का हो सकता है 50563 का, बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप 50786 पे बुक कीजिएगा, ठीक है। और प्लस कोर्स के डिस्काउंट की भी आज लास्ट डेट है, तो देख लीजिएगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वीडियो के आपको वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं उसके बारे में। अब साइड में देखिए क्या किया जा सकता है, आप ना यहाँ से एक इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर्स के चार्ट पे और प्रॉपरली बन रही है, ठीक है। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, तब हम यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट देखेंगे उसके 51963 के, बट ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बारी क्लोज करने दीजिएगा मार्केट को, है ना। और दूसरा टारगेट हमारा जो है वो 52183 वाले लेवल का रहेगा, ठीक है। ये जो जोन है ना यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 51480 से लेके 232 तक का, अब ये वैसे एक्चुअली एक बाइंग जोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक डबल बॉटम बनने की कोशिश हुई है मार्केट के अंदर। तो
इसीलिए मैंने आपको बताया सेफर साइड पे होने के लिए, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आएगा शॉर्टिंग का नहीं देखेंगे। बट अब ये जोन इतना बड़ा बन रहा है ना कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का जोन बन रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी में बाइंग का। तो अगर कहीं ऊपर मार्केट खुलता है, अगर किसी को रिस्क लेना हो तो सेफर साइड पे होने के लिए 51,400 के आसपास अगर मार्केट आए, बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए 51,232 का, आप यहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट के टारगेट हमारे फिर 51,953 वाले लेवल के रहेंगे, ठीक है। इस वाले लेवल से अगर आता है और यहां से अपसाइड निकल जाता है, अगर एसएल हिट करेगा तो बात अलग ही है, इस लेवल के नीचे आ गया तो एसएल हिट हो जाएगा, बट एक बाइंग जोन हो सकता है ये, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए मिड कैप की एक्सपायरी है तो उसे भी देख लेते हैं एक बारी। देखिए मिड कैप के अंदर क्या है ना, या तो ये ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से आ रही है, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने हाई तक के रख सकते हैं ना, 12,237 तक। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है, 15 मिनट की क्लोजिंग आती है 12,135 के नीचे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके हमारे टारगेट 12,035 वाले लेवल तक के रहेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास के टारगेट इसके अंदर हो सकते हैं अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपसाइड की कोई भी अपॉर्चुनिटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही देखेंगे, 15 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए इसके ऊपर, उसके बाद ही देखेंगे कोई अपसाइड। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।